इस वक्त मैं हूँ जेम्पोरिया की एक फैक्ट्री के अंदर और यहाँ पर मैं आपके लिए ढूंढ रही हूँ 7:15 रत्ती का पुखराज। 7:15 रत्ती का पुखराज ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि ये पूरा का पूरा हीप जो है इसके अंदर से हमें एक एक को उठा के बिल्कुल सेलेक्ट करना पड़ता है कि वो फॉल करे इस कैटेगरी के अंदर, यानी कि 6.50 से लेकर 7 के ऊपर का अगर जेमस्टोन होता है या कम का जेमस्टोन अगर होता है वो फौना की कैटेगरी में आ जाता है, जो शुभ नहीं माना जाता। ये है इसकी एक मशीन। इस मशीन के अंदर यहाँ पे अगर हम पहला जेमस्टोन रख के देखते हैं, लेट अस फाइंड कि ये परफेक्ट है या नहीं है। ये आया 7.30, दैट मीन्स कि ये परफेक्ट नहीं है और ये जो है 7:15 रत्ती का नहीं है। अगर हम दूसरा ट्राई करके देखते हैं, लेट अस सी वेदर दिस इज जस्ट परफेक्ट और नॉट। और यहाँ पर हमने देखा यह है 7.10, फिर से ये बिल्कुल भी परफेक्ट 7:15 रत्ती हमारे लिए नहीं होता है। अब एक और मैं उठा के रख के देखते हैं कि इसका वेट क्या। ये है 6.60, दैट मीन्स जस्ट द परफेक्ट वेट दैट वी वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया कि किस तरह से जब एक परफेक्ट बहुत बड़ा सारा हीप हमारे पास जेमस्टोन्स का रखा हुआ होता है, पुखराज का रखा होता है, उसमें से सिर्फ 10% ही जो है वो परफेक्टली फॉल होते हैं हमारी उस रेटिंग के अंदर और बाकी सारे जो है वो रिजेक्टेड हो जाते हैं। तो इसी वजह से जब हम आपके लिए लेके आते हैं 7:15 रत्ती के पुखराज, तो बहुत मेहनत से सेलेक्टेड ही पीसेज जो है वो आप तक आते हैं।